दोस्तों नमस्कार, एनबीसी न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई है एक ऐसी शख्सियत जो अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से जानी जाती है। जी हाँ, मैं आपको उनका परिचय बता दूं। विजयश्री मुकुंद ठोंबरे मैम जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ग्रेट ब्रिटेन स्कूल एंड जूनियर साइंस कॉलेज, साथ ही साथ वीर शेफ स्कूल शांतिनगर नागपुर की। सबसे पहले तो मैम आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने रिसीव किया है बेस्ट मॉडल फॉर रेलवे स्टेशन अवार्ड, बेस्ट स्पीकर अवार्ड्स बाय एजुकेशन समिट, बेस्ट स्कूल अवार्ड फॉर साइंस एग्जीबिशन इन स्टेट लेवल, बेस्ट म्यूजिक अवार्ड ट्रॉफी फॉर स्कूल इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन, साथ ही साथ गोल्डन स्कूल अवार्ड फॉर स्टेट लेवल बाय टैलेंट सर्च एग्जाम। इसके अलावा इन्होंने रिसीव किया है अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट स्कूल फॉर मेस्टा इंग्लिश मीडियम ट्रस्टी एसोसिएशन की तरफ से। इसके अलावा जो इनके अवार्ड की लिस्ट है वो काफी बड़ी है, लेकिन समय के अभाव में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत हमारे साथ उपस्थित हुई है वो अपने काम से, अपने व्यवहार से पूरे समाज में आज उनका एक अलग ही स्थान है। सबसे पहले तो मैम, मैं आपको, आपके बारे में, आप ही के मुंह से आपका परिचय जानना चाहूंगी। आप हमारे दर्शकों को बताइए अपने बारे में। विजयश्री ठोंबरे, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी बीसी न्यूज का और रूपा मैम का, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और कार्यक्रम आयोजन किए। मैं विजयश्री ठोंबरे और मैं संचालिका हूँ, साथ में अध्यापिका भी रह चुकी हूँ और मुझे इस शिक्षण क्षेत्र में काफी रुचि है। और मैंने जो पुरस्कार प्राप्त किए हैं क्योंकि मुझे बहुत रुचि है इस क्षेत्र में, और साथ ही मैं यहाँ पर जो पहुंची हूँ तो वो मेरे जो शिक्षक, उनका शिक्षक, मुख्याध्यापक और मेरे बच्चे और पापा का सपोर्ट है, इसलिए मैं यहाँ पर पहुंची और ये अवार्ड जो है उन्हीं को, सबको जाता है मेरे अच्छे कार्य के लिए। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि एक आदर्श विद्यालय समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझता है। शिक्षा के साथ ही वह विद्या को भी उतना ही महत्व देता है। एक आदर्श विद्यालय अपने विद्यार्थियों को समय के साथ परिवर्तित होना भी सिखाता है और इन सारी चीजों के लिए जरूरी है एक अच्छा आदर्श शिक्षक। एक अच्छा और प्रभावशाली अध्यापक वही होता है जो विद्यार्थी तथा अन्य के सामने अपनी क्षमता को पेश करता है, अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सचेत रहता है। जी हाँ, आज हम आपका परिचय ऐसी ही एक आदर्श शिक्षिका से करवा रहे हैं जिनमें ये सारे गुण शामिल है। मैम बताइए कि आप कैसे मैनेज करती हैं एक आदर्श शिक्षिका, एक आदर्श संचालिका और मुख्याध्यापिका की जो पोस्ट है, आप तीनों चीजें जो है वो बखूबी अपने कर्तव्यों का पालन कर रही हैं। सबसे पहले आदर्श शिक्षक, और मैं हमेशा लर्नर बनी रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि शिक्षक को हमेशा लर्नर बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम शिक्षक है या प्रिंसिपल है तो हमने नए जो भी टेक्निक्स आए हैं एजुकेशन फील्ड में, नए एजुकेशन पॉलिसीज आए हैं, उसको हमने अप्लाई करना चाहिए। ये काफी शिक्षक होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हाँ हमने बीएड किया है, ट्रेनिंग की, तो हमको आगे सीखना नहीं चाहिए, वहीं पे उनका एजुकेशन स्टॉप हो जाता है। लेकिन मैं हमेशा लर्नर बनी रहती हूँ। मुझे ऐसा हर शिक्षण क्षेत्र में जो भी नए नए टेक्निक्स आते हैं और नए नए प्रकल्प आते हैं उसमें मैं रुचि लेती हूँ। साथ में मेरे जो शिक्षक हैं उनको यही बताती हूँ कि आपने नम्र होना चाहिए, एक लर्नर करके पूरा जो अपना आयोजन करना चाहिए। और जो नई तकनीक जो है जैसे कि प्रोजेक्टर्स है, नए प्रकल्प है, उसमें रुचि ले ताकि बच्चों भी रुचि ले इसमें, तो इस तरह से नए टेक्निक्स फॉलो करके एक आदर्श शिक्षक यही होता है कि जो लर्नर बना रहता है और नई चीजों को सीखता है। मैम ये चीज आपने बहुत अच्छी बताई है कि एक टीचर होने के लिए आपका डीएड बीएड होना उतना मायने नहीं रखता है जितना कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब समय के हिसाब से नई नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना और वो अपने स्टूडेंट्स को उन सब चीजों से अवगत कराना, ये एक आदर्श शिक्षक की पहचान होती है। मैम ये बताइए कि देश में मौजूदा सफल व्यक्तियों के बीच में एक अच्छे गुरु की भूमिका बहुत जरूरी होती है और एक बच्चे को सही मार्गदर्शन देने के साथ ही गुरु उनके व्यक्तित्व को भी भलीभांति परिचय कराता है, उनके अंदर छुपे समस्त गुणों से अवगत कराता है। तो क्या आप मानते हैं कि पहले के युग में और आज के युग में कुछ अंतर है? हाँ, पहले के जो गुरु थे, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, हमारे गुरु हमारे भगवान थे। गुरु बोलते थे, गुरु शिक्षा देते थे और हम लोग उनका सुनते थे। आज जनरेशन बहुत एडवांस हुआ है, शिक्षक मार्गदर्शन करते हैं, वो भी अपने तरफ अपने जो कार्य में बहुत रुचि लेते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, तो आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल पे रहते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हुआ है, उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे शिक्षित भी हुए हैं
और उसका थोड़ा सा बच्चों में नेगेटिव भी व्यवहार हमने देखा है, क्योंकि काफी बच्चे मोबाइल में है ना, कंटिन्यूशन में पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि मैम देखिए बच्चे कंटिन्यूशन मोबाइल यूज करते हैं। तो मैं शिक्षकों को यही चाहती हूँ कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। आप जितना हो सके बच्चों को एक जो व्यावसायिक मार्गदर्शन उनके जीवन में कैसे उपयोग आ सके आगे में, और शिक्षण क्षेत्र में जो अलग अलग उनके जो भी प्रकल्प है उनमें बच्चों को वो रुचि लेना सिखाए। और आज के जो गुरु है उन्होंने ये थोड़ा नम्र होना चाहिए बच्चों के प्रति, उन्होंने अपने बच्चे समझ के उनको पढ़ाना चाहिए, और जो नए नए जो टेक्नोलॉजी है उनको उनको इंटरेस्ट लेके वो सिखाना चाहिए। मैम मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी कि मुझे बताइए कि कोरोना काल में 2 साल हर छोटे से बड़ा व्यक्ति जो है वो बच्चा मोबाइल का एडिक्टेड हो गया था, लेकिन आपके स्कूल में ही एक ऐसा सिस्टम मैंने जहाँ देखा जहाँ आपने बच्चों को वीक में 3 डेज ऑफलाइन स्कूल की छूट दी थी, तो क्या सोच के दिया था आपने ये? मेरी गवर्नमेंट शाला है, कई सारे जब कोरोना काल था तो ये अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मेरे जो स्कूल थे इंग्लिश में वहाँ के बच्चे जो पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते थे उनके पास मोबाइल था, लेकिन 50% जो बच्चे थे पेरेंट्स का बहुत लॉस हो चुका कोरोना काल में, तो उनके पास मोबाइल नहीं था और उनको शिक्षण भी मुझे देना था, एजुकेशन देना था। तो उसके लिए मैंने सॉल्यूशन निकाला था कि ठीक है अगर आपका आपके पास मोबाइल नहीं है तो शिक्षक हमारे वहाँ पे उनको गाइड करने जाते थे, जितना हो सके शिक्षकों ने वो प्रयास किया है, और साथ में ऐसे जो बच्चे थे जिनके पास कुछ साधन उपलब्ध नहीं थे तो उनको हमने स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके उनको पूरा जो भी है ज्ञान वो दिया है। जी मैम, और इस मामले में तो आपकी वाकई में काबिले तारीफ करना पड़ेगा मैम कि ये बहुत ही अच्छा ई लर्निंग सिस्टम जो है वो आपने ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है वो उस पद्धति को बरकरार रखा। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि शिक्षा देने का कार्य तो हर कोई टीचर करता है, परंतु उसी शिक्षक को बच्चे जिंदगी भर याद रख पाते हैं जो अपने कार्य से अपने व्यवहार से हर किसी का दिल जीतता है, और आप में ये सारी खूबियां हैं। तो मैम कैसा होता है कि मतलब कभी कभी आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाती हैं कि पहले के टाइम में और अभी के टाइम में जो कोरोना काल के बाद के बच्चे हैं वो थोड़ा सा ज्यादा पैम्पर्ड हैं, तो उनको हैंडल करने में कैसे दिक्कतें आती हैं? सही बात है कि बच्चे 2 साल पीछे हो गए, जो बच्चा 4थी कक्षा में है उसकी लेवल अब 2थी कक्षा की हो गई है, और हमारे पास ये बहुत बड़ा टारगेट है कि हम ये बच्चों को कैसे सिखाए। तो इसके लिए हमारे शिक्षण मंत्री ने एक सेतु अभ्यासक्रम का नियोजन किया था, और मैंने भी अपने शाला में लागू किया है कि 2 साल बाद जब बच्चे आते हैं आपके पास तो सडन में आप बच्चों को ज्यादा बर्डन न दे, पहले जो बेसिक जो हमारा 2 साल का जो लॉस हुआ है उनको ले, उनसे अच्छे से उनका मार्गदर्शन करें, और साथ में जो जो सिलेबस है हमारा वो थोड़ा सा ये करके उनको मैनेज करें। और साथ में मैं ये भी यहाँ पे बताना चाहूंगी सभी पालकों को कि बच्चे 2 साल बाद आए तो थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस कम दिखने में, क्योंकि बच्चों को ऑनलाइन तो बहुत पढ़े लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस उनकी कम हो गई है, तो इसके लिए मैंने यही कहा कि राइटिंग को ज्यादा महत्व दे, ठीक है। और ये सबसे शिक्षकों का बड़ा टारगेट है कि बच्चे को कैसे पढ़ाए, तो ये बताना चाहूंगी कि बेसिक से हमको ये और पूरा कार्य करना पड़ेगा। मैम आज की एजुकेशन की जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है तो आज की शिक्षा पद्धति पर आप अपने विचार रखिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी लागू होने की है, उसमें 5+3+3+4 आया है जी, तो ये बहुत ही माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने अनाउंस किया, नरेंद्र मोदी ने, तो इसमें यही बताना चाहूंगी कि इसमें नर्सरी KG 1 KG 2 1st 2nd ये एक सेक्टर दिया है, उसके बाद 3 3 इयर्स का उन्होंने नियोजन किया है 5th 6th 7th एंड 8th 9th 10th, तो ये बहुत ही अच्छा अभ्यासक्रम है। जैसे कि आज के युग में हम लोग सिर्फ एक ही विषय को पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो नई तकनीक है इसमें ये बताया गया है कि बच्चों को अपना क्षेत्र खुद चुन सकते हैं। पहले ऐसा था कि आर्ट्स के बच्चे आर्ट्स में जाते थे, कॉमर्स के बच्चे कॉमर्स में जाते थे, लेकिन अब आर्ट्स का बच्चा साइंस पढ़ सकता है, और साथ में एक क्रेडिट बैंक दिया गया है, बहुत ही अच्छा नियोजन किया है क्योंकि इसमें व्यावसायिक मार्गदर्शन दिया है, खेल और साथ में अनेक बच्चों का सर्वांगीण विकास पर वो दिया है, और एक क्रेडिट बैंक का दिया है कि जैसे बच्चे अपने गुण बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, बहुत अच्छी आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इसमें बच्चों का पूरा सर्वांगीण विकास होगा, और जो 11वीं 12वीं के जो महाविद्यालयीन बच्चे हैं तो थोड़ा बोर्ड की जो एग्जाम है उसको कम महत्व अभी हुआ है,
तो लेकिन ये वैसे एक मार्गदर्शन और सारी बातें बहुत अच्छी लगती है। मैम ये बताइए कि शिक्षण पद्धति में सबसे अच्छी तकनीक कौन सी है अभी फिलहाल जो है? मेरा तो सभी में डिजिटल टेक्निक इज वेरी नाइस। ब्लैक बोर्ड तो हम लोग सभी शिक्षकों ने यूज करते ही है, साथ में अभी बुक्स आए हैं जिसमें QR कोड रहता है, एक सॉफ्टवेयर आए हैं जैसे कि मेरी शामिल मैंने बुक लगाया है तो उसमें यही दिया है कि उसमें QR कोड दिया है, जो भी हम कविता पढ़ते हैं एक लाइव बच्चों को दिखा सकते हैं कोई भी कविता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी नाइस। ओके मैम ये तो थी एजुकेशन की बात, ये थी हमारे बच्चों की शिक्षण पद्धति की बात। मैं आपको पूछना चाहूंगी कि बच्चों की पढ़ाई के साथ ही साथ आप संस्कार को कितना महत्व देती है? कहने का तात्पर्य ये है कि क्या आपको लगता है कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा उनके संस्कार पर भी ज्यादा फोकस करना चाहिए? मेरे स्कूल में मैं संस्कार पर तो फोकस करती हूँ क्योंकि आज जो जनरेशन देखा है पूरा मोबाइल बच्चे यूज करते हैं, पहले गुरु ज्ञान देते थे हम गुरु के चरण स्पर्श करते हैं, अब बच्चे उतना नहीं है देखना, अभी नहीं करते बच्चे टीचर्स को। तो मेरे स्कूल में मैंने संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है, तो मेरे शाला में मैं हर त्यौहार मनाती हूँ जैसे गुरु पूर्णिमा है, हम लोग फ्रेंडशिप डे पर ध्यान देते हैं, वैलेंटाइन डे भी आता है, लेकिन यहाँ पे मेरे स्कूल में रक्षाबंधन को महत्व देती हूँ क्योंकि ब्रदर और सिस्टर का बॉन्ड रहता है। और साथ में हमारे जो ये हम फादर्स डे मनाते हैं मदर्स डे मनाते हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चों का जो ये है सर्वांगीण विकास है और बच्चों को हमारे पालकों का हमारे दादाजी का महत्व पता होना चाहिए। बच्चे आजकल पेरेंट्स को वैल्यू नहीं देते हैं तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों ने अपने पेरेंट्स का महत्व जानना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स का महत्व जानना चाहिए। और हमारे जो भारतीय संस्कृति में जैसे नागपंचमी है तो नागपंचमी हम लोग बोलते हैं कि हाँ नागपंचमी हम लोग मनाते हैं, लेकिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम लोगों क्या है हमको क्या है एक सांप की सुरक्षा करने के लिए चोला आया है, एक कृषि क्षेत्र का ये त्योहार है तो बच्चों कृषि क्षेत्र में बैलों का जो योगदान है वो बच्चों को पता चलना चाहिए, बताना होना चाहिए। तो ये सब चीजें हमारे त्योहार हमें उनको सिखाते हैं और ये मैं जरूर बनाती हूँ जैसे आषाढ़ एकादशी की रैली हुई हमारी। एक्सैक्टली कुछ ना कुछ मतलब न्यू टेक्नोलॉजी भले ही कितनी भी आ जाए लेकिन अपने संस्कारों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, ये एक आपके स्कूल की बहुत अच्छी खास बात है। मैम बीइंग अ लेडी क्या लगता है आपको कि आज समाज में जो है वो स्त्रियों का कहीं ना कहीं स्थान पीछे होने का जो कारण है उसमें महिलाएं खुद इसकी जिम्मेदार है? हाँ, कि वो आगे नहीं आ रही है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, उनमें बहुत सारा टैलेंट होके भी वो अपने आप को नहीं मतलब उभार पा रही है, तो क्या आपको लगता है कि कारण हो सकता है ये? कारण महिलाओं में अनेक गुण होते हैं जैसे कि संगीत है, नृत्य है और उसके साथ शिक्षण क्षेत्र है, महिलाएं आगे जा भी रही है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए, लेकिन हमको हमारे जो सुप्त गुण है उनको जानना चाहिए। अगर किसी महिला को अगर इसमें इंटरेस्ट है, ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो ड्राइंग शिक्षिका बन सकती है या अगर बहुत सारे फील्ड्स है जहाँ पे अपने रुचि के साथ अपना व्यवसाय भी कर सकती है। और मैम एज ग्रुप में मुझे नहीं लगता कि मायने रहता है, एक समय जब स्त्रियां अपने सारा वर्क कंप्लीट कर देती है तो किसी भी एज में वो अपने आप को अपने टैलेंट को उभार सकती है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल सही जी। मैम बहुत सारी जानकारी हमने आपसे ली है और आप हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहेंगी? मैं यही बताना चाहूंगी कि शिक्षण क्षेत्र में काम कर चुकी हूँ और मेरे शाला में मैंने एक नियम बना लिया है कि बच्चे शिक्षण के साथ सामाजिक कार्य भी करें। जैसे किसी किसी का बर्थडे होता है तो मैं सभी बच्चों को बोलती हूँ कि आप जैसे अनाथ आश्रम में जाइए, कुछ ना कुछ डोनेट कीजिए। और मैं सभी क्योंकि हमारे हम लोग भारतीय नागरिक हैं तो हम लोगों ने हमारे बच्चों में घुमाना चाहिए देश के प्रति, ये होना चाहिए। एक एक मिलिट्री सेक्शन है, नेवी है, अब बच्चों ने जाना है, नॉट ओनली इंजीनियर डॉक्टर बन के वो अपना नाम बनाए लेकिन हर क्षेत्र में उन्हें जाना चाहिए और सामाजिक कार्य और हमारे भारतीय जो नागरिक के जो भी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उन्हें निभाना चाहिए। कोरोना काल में एक बहुत बड़ी ये भी ये थी, कोरोना काल से सभी पालकों के ये हो गए थे, बिजनेस कोलैप्स हो गए थे और ऐसे कई सारे बच्चे थे जिनके माता या पिता का देहांत हो गया था और ऐसे बच्चों का क्या करें। तो मेरे शाला में बहुत सारे बच्चे थे जिनके ऊपर पिताजी का सहारा नहीं था और ऐसे जो उनके मदर पेरेंट थे वो आए मुझसे मिले कि मैम कैसा करें एजुकेशन, हमसे फीस देना नहीं होगा। तो तब से मैंने तय किया है कि हम हमारे संस्था में एक 5 या 6 बच्चों को एडॉप्ट करेंगे जिनकी फीस की क्षमता नहीं है और ऐसे ही मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। और ऐसा ही मैंने 5 या 6 साल पहले हमारे स्कूल में ऐसे ही होता आ रहा है, एक बच्ची है जो कि इंजीनियर है और हमारे संस्था की तरफ से उसको हम लोग
फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। दर्शकों पहले तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारे चैनल के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारियां दी हैं। दोस्तों आज हमारे साथ हमारे बीसिन के स्टूडियो में खास मुलाकात इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने खास तौर पर इनवाइट किया था विजयश्री मुकुंद ठुमरे मैम को, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, टीचर्स हैं वीर शैव और ग्रेट ब्रिटेन स्कूल की। दोस्तों इन बीसिन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मैं विजयश्री मैम के लिए चंद लाइनें बोलना चाहूंगी। बिना गुरु नहीं होता जीवन साकार, सर पर होता जब आप जैसे गुरु का हाथ, तभी बनता जीवन का सही आकार, गुरु ही है सफल जीवन का आधार। जी हाँ, मैंने पहले ही आपको बताया इनका परिचय देते हुए कि ये एक ऐसी शख्सियत है जो न सिर्फ अपने नाम से बल्कि अपने काम, अपने व्यवहार, इन सारी चीजों से जानी और पहचानी जाती है। दोस्तों इन विषय न्यूज की खास मुलाकात में अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक ऐसी ही शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि रूपा पंडित को दीजिए इजाजत, और एक बार फिर मैम आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।